पता है गलत ठहर सही पेटने सही ठहर सही पेटने हमें चीज़ें चौसा पहला ये है ना चौसा में मजा नहीं चाहिए ना बीत का हमारा एक्सीडेंट में ना कुत्ता ये टायर आप पता असम खुशदार सकते का ना क्या कोई टाया हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ग्रेट जेड के। और जो मैंने पिछले दो व्लॉगों में मैंने कहा कि भी मेरी जो है ना वो ये क्या कहते हैं टूर मेरा बलूचिस्तान का जितना दूर नहीं जाऊंगा जहां जा सकता हूं मैं जाऊंगा होगा कोई आप ये समझें कि मैं कोशिश करूंगा कि 4-5-6 दिनों में मैं वापस आ जाऊं। तो रुकते तो मेरा पहले रूट था दूसरी तरफ, अभी पहली तरफ मेरी जो हो गई है रूट और इंशाल्लाह वापसी पे दूसरी तरफ हम आएंगे। तो जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे उसमें उनको पता होगा कि पिछले व्लॉग उनको पता होगा कि मैं कहाँ जाऊँगा और मेरी जो है ना रूट वो कहाँ होगी, मगर वो अभी कैंसिल हो गया। वापसी पे इंशाल्लाह वही होगा। तो बाइक आप लोगों ने देखा, बाइक बिल्कुल फुल रेडी और मैं भी रेडी हो गया हूँ। अभी ना दो के तो इंशाल्लाह मैं सो जाऊँगा, सुबह फजर की नमाज इंशाल्लाह पढ़ के फिर मैं अपने सफ़र पे निकलूँगा। तो हमारे साथ रहें, स्ट्रीट में देखे के साथ साथ रहें। मिनट GoPro रेडी, मैं रेडी हो गया हूँ। ये बैग शैग टैंक पैंक को लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है, मैं बिल्कुल फुल ये रेडी हो गया हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ। मैं बहुत लेट मैंने कहा नमाज पढ़ के, मैं नमाज पढ़ ली है मगर लेट मैं तो अज़ान के टाइम उठ के मैं निकलूँगा। अभी एक कम से कम मैंने निकलना था, बहुत आगे जाना था अभी, तो बस मैं बहुत लेट हूँ तो मैं अभी निकल रहा हूँ। तो बाइक बिल्कुल बाइक रेडी है, अभी बस बैग टैंक बैग रख के उसके बाद मैं निकलूँगा। तो मेरे साथ रहें। ये मेरा हेलमेट और ये बिल्कुल सिस्टम हो गया बैग का। ये हेलमेट, ये पूरा सिस्टम मेरे बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो भाई मैं मतलब लेट हूँ, अभी मैंने कम से कम जाना था, कुछ रास्ता मैंने तय करना था। तो चलो इसी में भलाई है, अभी ये शांति बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं पकाया जो अभी निकलूँगा घर से जो भी होगा वो अभी मैं बाहर मतलब बनाऊँगा, क्योंकि ये बिल्कुल सूरज भी ये निकलने की कोशिश मतलब अभी तक सूरज नहीं ब्लू हुआ है। तो ये भी बिल्कुल फुल मेरे जो है रेडी हो चुकी है, अभी मैं निकलूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहे। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लज़ी सकर लना आज़ा वमा कुन्नल्लाहु मुकरनीना आमीन रहमतुल्लाह। या अल्लाह हमारे जो सफ़र हैं वो सही करें। अभी मैं लेट हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सफ़र हमारी सही गुजरेगी। सैफ को हम बाय बाय करते हैं, मलिया को बाय बाय करते हैं, बाय बाय करें, सलाम अलैका।
एट गुड। और यहाँ मैं जो मोबाइल है इसका जो मैं पैकेज करूँगा, क्योंकि मेरा जो कज़न है वो आगे मल्लाड़ में बैठा हुआ है मेरे इंतज़ार में और मैं लेट हो चुका हूँ। ये है बिल्कुल सूरज मियाँ। और मैंने कहा मैं फजर की अजान के साथ में उठूँगा, नमाज़ मत पढ़ के निकलूँगा, मगर मैं लेट हूँ तो अभी मैं थोड़ा पैकेज मैकेज करके उसके बाद फिर मैं निकलूँगा अपने रास्ते पे। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह सफ़र अच्छा रहेगा, तो साथ रहें हमारा। के जो हो गया ये पीछे बिल्कुल शांतुल मेरी मतलब रीढ़े, इसको मैंने सही बस जो भी थे वो टूर बैग शेक वगैरह वो नहीं, मगर इनको मैं टूर बैग जैसा मैंने इनको एडजस्ट किया है। तो ये है पीछे हटगोट का रास्ता और इंशाल्लाह मैं अभी निकल रहा हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह रास्ते में वक्तन पो वक्तन। और कज़न को मैंने वॉइस किया कि अभी मैं अभी घाट के पीछे हूँ, जितना टाइम उधर मल्लाड़ जो है रसमलान जो जितना टाइम है उधर वो आप करें 70-80 की स्पीड से, तो मैं कितने टाइम पे इंशाल्लाह पहुँचूँगा अगर कोई मुसीबत रास्ते में ना हाई हो। मेरे ख्याल में फ़ोन कर रहा है, हेलो क्या हाल है, बराबर है नुकी तरह वो आईसी को था अड्डा पूछता है नुकी दराएगा वो पैकेज को था मोबाइल मोबाइल मैं लेट भी इतना यार मर्ची आओ लेट भी इतना मैं बस मैं दराएगा हफ्ता दश्ता दी स्पीड आ अल्लाह खैर रखा जल्दी रसा शारे शारे हाँ बो बस मैं कहाँ थी कर रहा इन शाला तरह धीरा रहे शारे ओके अल्लाह। तो भी कज़न के वो खाल थी फिर जब भी मैं उधर आपके इंतज़ार में हूँ, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ तो अभी रास्ते में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तो पीतारी बहुत हो गए अभी इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे, तो साथ रहे हूँ। तो भाई मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी वक्त में ज़ाया नहीं करूँगा, तो स्लिप मारते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ मेरा मेरे ख्याल में ओके रेडी स्टेडी गो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या परवरदगार हम आपके आसरे पे मैं सब्र की तरफ रवा दवा गामजन है, तो क्या हो गया देखता हूँ यार। गाड़ी खड़ी तो नहीं आ रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैंक भी फुल हो गया, ये रास्ता है तो ये क्या हो गया टाइम 8:30 बज गए, 8:30 बज गया और 8:30 में मैं बुजी टॉप पहुंच गया ये बिल्कुल जो है। और अभी मैं कज़न को करूंगा
चश्मा मेरा कहीं पड़ा हुआ था यार, चश्मा बहुत पानी आंखों में। तो अभी इंशाल्लाह कज़न को मैं और व्हाट्सअप करूँगा कि भी मैं बुजी टॉप पहुँच गया हूँ, और बुजी टॉप जो है 5 दिसंबर 2021 को मैं हिदरी था जो आल पाकिस्तान टूर पे निकला था, तो अभी मैं टूर पे फिर निकला हूँ शांतल। एक वो आगे जा रहे हैं और एक ये, और शांतल का जो है सेटअप, और वो अभी मैं निकलूँगा, अभी मैं निकलूँगा क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं भाई। पीछे जो यहाँ उतरना और चढ़ना बहुत मतलब वो दिल जो जो इतने इतने बड़े माशाल्लाह गाड़ियाँ चला रहे हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत खुद करे, तो उतरना और चढ़ना दोनों मतलब मुश्किल है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा फिर निकलूँगा इस तरफ। इसके इसलिए यहाँ से आ रहा था बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, ये भाई चिंची ऊपर चढ़ गया। अरे यहाँ से बिल्कुल ये भाई। चले बराबर है टेटे ये स्कूल कुजांगुरी शाकिरता नाम दे स्कूल आए टे और शाकिरा धीरे पर मारो होगी है ये भाई हमारा चले थोड़े बराबर चलो जल्दी कहाँ चिक्की गए बंद कर नशा भाई। मैं अपने रसमलान में पहुंचा हूँ, पीछे बच्चे हैं सारे टीचर के इंतज़ार में, और फ्रेंड गया है कज़न गया है कहीं पेशा मेशाब करने, फिर उसको मैं पिक करूँगा। ये स्कूल किस जगह पे है पीछे शांतल है उस साइड पे। अपना एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेरा जो दो कज़न है ना इसने ये मॉडिफाई किए GS 1, इनका मैं ब्लॉग एक दिन इंशाल्लाह फारिग होके टूर से फिर मैं बनाऊँगा GS 150। आगे पीछे ठहरी मैं बाद में दिखाऊंगा। तो पीछे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, और इधर दिखाता हूँ एक और चीज़।
ये स्कूल है और ये यहाँ से समंदर का पानी है। ये दरिया है यहाँ पे? हाँ ये दरिया है यहाँ पे, वश यहाँ पे। हाँ ओके ओके, ये मीठा पानी है और पीछे मैं नहीं देख सकता, वहाँ जो औरतें हैं कपड़े धो रही हैं, ये रसमलान की। इसके बारे में मैंने वो कहीं देखा था। तो ये स्कूल है और ये भी कज़न है शाकिर का, छोटा भाई। हाँ शाकिर भाई रफा आजत करने गए हुए थे, ये आ रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं बाटा लाद पे। वे भी यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि मैंने निकलना है, हमने फिर जीरो पॉइंट तक जाना है। जीरो पॉइंट में शाकिर भाई ने फिर जाना है कराची और मैंने, उस तरह मेरा सफ़र लंबा है। शाकिर को मैं जल्दी पकड़ के सीधा मैं कहूँगा अभी लेट नहीं, सीधा हम निकले अपने रास्ते पे। तो क्योंकि दिन दिन मैंने जो एक जगह है जिसको वड बोलते हैं उसको मैंने दिन दिन में क्रॉस करना है, अगर कोई मुसीबत ना आया हुआ तो ये भी इसमें मतलब कपड़े शपड़े धोते हैं, मगर ये डेंजरस है, ये पहुंच भी सकता है स्कूल में जो बगैर खिड़की और दरवाजे के, बच्चे सारे टीचर के इंतज़ार में। और इधर ये दोस्तों के जो रात को इधर ही सोते हैं। ये भी दरिया है बेटे, ये जो है ना समुंदरी बतख उन्होंने पकड़ा है इसको, ये क्वांक क्वांक। ये लागू भी अच्छा, ये लागू भी नबी शी बांधला गोड लागू भी ना। कज़न को मैंने पिक किया और कज़न इस स्टाइल में, शाकिर इस स्टाइल में, इसका मैं रिव्यू करूँगा इंशाल्लाह अगले आप आने वाले व्लॉगों में मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो ये भाई इसी नाम का शाकिर तनी का आरसी वन डे में ना। ये हमारा अमीर भाई हैं, ये शाकिर भाई के जो हैं छोटे भाई हैं, कज़न हैं दोनों मेरे। तो अभी नाश्ता, क्योंकि मेरा तो कुछ मसला है, मैंने खुश्क पराठा एक फिर भी गीला कर दिया और एक ये हमारे नाश्ते हैं। तो नाश्ता करके हम इंशाल्लाह आगे वन डे में और पीछे शांतुल, रास्ता हमारा होगा इंशाल्लाह कराची। सुबह क्योंकि हम निकले थे, मैंने पानी शानी पी लिया वार्ड के पास, फिर आके वहाँ से मैंने सिमशन पैकेज वगैरह करवा के फिर मैं निकला हूँ। अभी नाश्ता करेंगे, ये रसमलान मल्लाड़ है और यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह अपने सफ़र का जो है ना आगाज़ करेंगे, फिर जाएंगे ज़ीरो पॉइंट की तरफ। तो हमारे साथ रहे नाश्ता करके, उसके बाद फिर मिलेंगे भाई। नाश्ता माश्ता हो गया तो अभी बिल्कुल रेडी है, हम अभी निकलेंगे। तो ये इनका पराठा बनाने से, तो फिर ये इनकी अंडा पराठा। अरे ये बाबू भाई, कोई कह रहे मेरे जो है ना बाइक के जो पीछे जो टायर है वो आउट है, कैसे हो सकता है? नहीं ठीक है यार, नाश्ता हमने कर लिया, अभी हमारा सफ़र काफ़ी रहता है कि ज़ीरो पॉइंट पहुँच के शाकिर भाई जाएंगे अपने घर गड्डानी और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा खुशदार वाले साइड पे। तो कोशिश करता हूँ दिन ही दिन मैं पहुँच जाऊँ, तो इंशाल्लाह हम रास्ते में हमारे साथ कनेक्ट रहें। बस है ना शाकिर बेचारे का, मैं शाकिर
वही वेलकम टू भाई कुनमल्लीर बीच भाई। ये हम इधर पहुंचे हैं कुनमल्लीर, ये वन डैम वो शांतल माशाल्लाह, और ये है बीच। साकिर भाई सेल्फी ले रहे हैं, ये भी बीच बड़ा खूबसूरत, नहा भी रहे हैं, नवंबर का महीना है। पीछे भी दोनों शांतल और वन डैम खड़े, और ये है कुनमल्ली तब जो बीच है, कश्तियाँ मश्तियाँ जो हैं लेपक हैं सारे। और ये शाकिर भाई, शाकिर अकबर कज़न है, और ये मुझे आधे रास्ते में छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपनी जगह, ये जाएगा अपने रास्ते पे। तो यहाँ हमारा चंद सेकेंडों या मिनटों का हमारा स्टे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे साथ रहे भाई। दस शकर भाई लगे हुए हैं, 10-20 हो गए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 12 बजे तक हम 0 पॉइंट में पहुँचे, फिर आगे फिर फुज़दार में आराम से पहुँच सकता हूँ इंशाल्लाह, मगरब होने से पहले। तो ये कि अभी शकर भाई फ़ोन करेंगे 1-2 मिनट में, हम फिर निकलेंगे वो शांतल और वो वांडन करें, और ये है कुनमल्ली शाकिर फुल फौजी बना रहे हैं। हमारा रेस्ट हो गया 1-2 मिनट का, बादशाह थे शाकिर साहब भाई ने करनी थी कर चुके हैं। तो ये खूबसूरत बीच को छोड़ के हमने अगला लंबा सफ़र करना है, तो शाकिर भाई चलें फिर चलें भाई, शाकिर भाई बोल रहे हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगा के फिर निकलते हैं। तो यहाँ पीछे पानी शानी हम लेके, उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलेंगे और कोशिश करेंगे अपने जो सफ़र है ना उनको मैं दिन ही दिन में मैं करूँ, क्लियर करूँ, तो आप लोगों की दुआओं से। तो इंशाल्लाह काइंडली फॉर पेशगी जो है ना इतलाहात के लिए, जो आप मुझे ये जो मेरा इंस्टाग्राम लिंक है आईडी इधर मुझे फॉलो करें, तो उसके बाद हम निकलेंगे फिर इंशाल्लाह। पानी शानी ले लिए, अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। तो बिस्मिल्लाह, रंदा क्या इटी में तो कुछ के माँ वस्तक उड़ा क्या माँ साइडा भी थे हाँ माँ कमे उड़ा साइडा भी इतना भला कट तुका बच्चे थे आओ पाकिस्तानी ची है ना रोड टायर बराबर है माँ उस दिन टायर मट को था ना बुढ़ाई आउट भी था मनी कहना ये मना मना चाहिए ना भाई नहीं कष्ट के पता गलत टायर सही टायर सही पेटने हमें चीज़ें क्यों सा पहला ये ना और चो सा मैं मजने चाहिए ना बीत का हमारा एक्सीडेंट में ना कुत्ता ये टायर आप पता उससे मैं खुशदार सीट का ना क्या कोई टायर हाँ थोड़ा 5-10 मिनट का मैंने और शाकिर भाई ने हमने स्टे किया, ये पीछे शांतल है और आगे वन डैम, शायद आप लोगों ने देखा होगा यूनिवर्सिटी सोल्जर में, ये है इस रास्ते से हम आए हैं।
और इस रास्ते से हम जाएंगे। अपने यहाँ एक ड्रोन का शॉट हमने ले लिया, हाईवे पे निकले होंगे ऐसे कुछ टोक दे मम्मी आप ही वरा। तो ये पीछे वन डेम एंड शांतल खड़ी हैं। टायर को मैंने चेंज किया हुआ था कल, उन्होंने किया थोड़ा जो है ना टायर थोड़ा बाहर है अभी उत्तल में, कोई अगर मिल जाए कोई मैकेनिक शेकेनिक वहाँ से इसका टायर को हम सेट करेंगे आउट है थोड़ा, उसके बाद हम इंशाल्लाह गाड़ियाँ जा रही हैं पानी शानी पी के फिर हम निकलेंगे। जीरो पॉइंट में हम पहुंच गए, ये उत्तल जीरो पॉइंट है, ये